महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हर कैप्टन का सपना होता है कि वो अपनी टीम को एक आईसीसी टूर्नामेंट जिताए। एज ए कैप्टन फाइनल्स में विनिंग शॉट मार के ट्रॉफी उठाना तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, पर जिस कैप्टन ने अपना ये ड्रीम पूरा किया है और एक नहीं बल्कि तीन तीन आईसीसी ट्रॉफीज जीती, वो है इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। रांची से आया ये प्लेयर इकलौता ऐसा कैप्टन है जिसने हर वाइड बॉल आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम किया है, और आज यही रीजन है कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद भी जब ये प्लेयर आईपीएल में मैदान पर उतरता है तो पूरा स्टेडियम सिर्फ धोनी धोनी की आवाज से गूंजता है। पर जैसे इंडिया में रिश्तेदार लोग कभी किसी दूसरे बच्चे की सक्सेस से खुश नहीं होते, वैसे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एमएस धोनी को क्रेडिट चोर बोलते हैं। जी हाँ, और आज इस वीडियो में हम उन सब आरोपों को स्पोर्ट्स कैफे की अदालत में पेश करेंगे और देखेंगे कि क्या सही में धोनी है क्रेडिट चोर। ऑर्डर ऑर्डर। आरोप नंबर 1, एमएस धोनी ने 3 आईसीसी ट्रॉफी विंस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। बात स्टार्ट करते हैं जब इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब बहुत लोग आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें एमएस धोनी फाइनल्स में उमर गिल की बॉल पर 6 रन पर आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, फाइनल्स में 6 रन पे आउट होना एक बहुत बुरी इनिंग्स है, पर पूरे टूर्नामेंट में एमएस धोनी के 7 मैच में 154 रन थे और वो थे इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर आफ्टर गौतम गंभीर। अब बात करते हैं 2011 वर्ल्ड कप की। पूरे टूर्नामेंट में एमएस धोनी कुछ खास नहीं कर पाए और वो सिर्फ 8 इनिंग्स में 241 रन ही बना पाए, पर भाई जब बात आई फाइनल्स की और जब इंडिया को रन्स की जरूरत थी तो एमएस धोनी ने खुद को प्रमोट करके 91 रन्स की इनिंग्स खेली। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि युवराज सिंह उस टूर्नामेंट में टॉप फॉर्म में थे, पर सामने मुतैया मुरलीधरन थे जो युवराज सिंह को स्पिन से तंग कर रहे थे, पर धोनी ने उनको सीएसके में नेट्स में खेला था जिस वजह से उन्होंने मुश्किल टाइम में स्पिन को टैकल किया। चलो अब चलते हैं 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पर पूरे टूर्नामेंट में एमएस धोनी को सिर्फ 2 बार बैटिंग मिली और वो केवल 27 रन ही बना पाए, जिसमें फाइनल्स में तो वो 0 पर आउट हुए थे। बेशक धोनी ने बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर आयन बेल और जोनाथन ट्रॉट की स्टंपिंग से लेके ईशान शर्मा से 18 ओवर करवाना, ये तो मास्टर क्लास कैप्टेंसी ही थी। और भाई जो कैप्टन अपनी टीम को ये बोलेगी, डोंट लुक अप, गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू, यू हैव टू फाइट इट आउट, वी आर द नंबर 1 रैंक टीम, लेट्स प्ले लाइक दैट, तो उस कैप्टन की कैप्टेंसी पे आप कैसे शक कर सकते हो। और अगर कैप्टेंसी का कोई रोल नहीं तो एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड टीम ने जो भी आईसीसी ट्रॉफी जीती है उसकी मुझे बस हाईलाइट भेज देना जरा, है ना। आरोप नंबर 2, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को अपने फायदे के लिए यूज करना। 2007 में ODI वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन टीम एक बहुत ही बुरे फेस में थी और इसका मतलब था कि अब यंगस्टर्स को टीम संभालनी चाहिए, और तभी एमएस धोनी को सिलेक्टर्स इंडियन टीम का कैप्टन अनाउंस करते हैं। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीत के धोनी ने दिखा दिया कि सिलेक्टर्स ने एक सही फैसला लिया है, पर ये सब इतना इजिली नहीं हुआ क्योंकि कैप्टन बनते ही धोनी ने सीनियर प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली को कई बार टीम से ड्रॉप भी किया। यही नहीं, इंडियन टीम के बाकी प्लेयर जैसे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने भी धोनी पे आरोप लगाया है कि जैसे ही इंडियन टीम हारना शुरू होती थी तो धोनी वापस उन्हें इंडियन टीम में बुला लेते थे, लेकिन जीतते समय सारा क्रेडिट उनके पास चला जाता था। अपने इंटरव्यू में भी गौतम गंभीर ने इस रोटेशन पॉलिसी को हमेशा से बेकार बताया है। ये जो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वाज एब्सोल्यूट क्रैप। आरोप नंबर 3, एमएस धोनी ने 10 में से 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स हराए हैं। अपने 10 साल के कैप्टेंसी करियर में एमएस धोनी ने कुल 10 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैप्टेंसी करी जिसमें वो 3 जीत पाए और 7 हार गए। 7 यानी कि थाला।
फॉर ए रीजन। चलो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। जब लोग एमएस धोनी को 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो उन्हें 7 आईसीसी टूर्नामेंट हारने पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं? एंड अगर देखा जाए कि धोनी को 10 आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी करने को दी तो क्या इंडियन फैंस और सिलेक्टर्स का भरोसा नहीं था क्योंकि उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम को रिजल्ट्स मिल रहे थे? विराट कोहली 4 में से 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स हार के कैप्टनसी से हटे एंड करंटली रोहित शर्मा भी 3 आईसीसी टूर्नामेंट हार चुके हैं एज ए कैप्टन, तो इस बात पे कोई सवाल नहीं उठेगा। अब यार देखा जाए तो एमएस धोनी के बिलियंस ऑफ फैंस हैं और कुछ हिटर्स भी, और अपने हर हिटर को एमएस धोनी ने हमेशा एक ही लाइन से रिप्लाई किया है कि यू नो आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीवन हाउ गुड आई एम। तो यार अब इस स्पोर्ट्स कैफे की कोर्ट को करते हैं यहाँ पे एंड, और अगर आप जज हैं तो एमएस धोनी पे आपका क्या वर्डिक्ट रहेगा? क्या वो सच में क्रेडिट चोर हैं या फिर सही में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन टीम के लिए हमेशा टॉप पे रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।